मेडिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया ट्रेडिशन ऑफ मिडिल ईस्ट। तो लास्ट ईयर ही मैंने ज्वाइन किया एफ ई को, और मेरे साथ में मेरे साथी बैठे हैं जी हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और एफ ई को के बारे में वादिम साहब ने तो बताई है, मैं भी थोड़ा बताना चाहूँगा साथ में, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि एफ ई को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, साथ में एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारे ऋषभ साहब जो हैं एफ ई को से बहुत लंबे साल से जुड़े हुए हैं, करीब 10 सालों से ज़्यादा वो वहाँ के बोर्ड मेम्बर हैं। और उन्होंने ये कहा कि एफ ई को का मिशन जो है और जो सी एन आई का मिशन है, विज़न दोनों आपस में कंप्लीमेंट करता है। एफ ई को की स्थापना 1967 में हुई, जब सूखा आया था, ड्रॉट आया था बिहार में पलामू के क्षेत्र, अब जो है वो झारखंड हो गया है। तब बहुत सारे अगुओं ने ये चिंतन किया कि हमें क्या करना चाहिए, वो प्रार्थना तो करते ही हैं, तो कैसे हम जो है सोशल वॉस्टल या प्रैक्टिकल एक्शन कर सकें। और उस दौरान उन लोग सब लोगों ने आपस में चिंतन किया और ये योजना बनाई कि हमें इसमें एक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि हमें जब देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसके लिए अपने प्रैक्टिकल एक्शन देने वाले हैं। और इस तरह से एफ ई को जो है EFI का एक विंग है, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी मिशन चर्चेस का, और एफ ई को की शुरुआत हुई। और इस तरीके से एफ ई को आज एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 14 स्टेट में काम करता है, बहुत सारी थीमेटिक एरिया में काम करता है। आज मैं जो खड़ा हूँ इससे कि एफ ई को का जो यूनिट है, डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, और वो बहुत सारे अगुओं को तैयार करता है, यानी लीडर, क्योंकि ऐसे जगह पर जहाँ हम लोग और आप लोग नहीं जा सकते। अभी भी आज हम बात करें 2024 में, तो 1-2 घंटे की दूरी पर अगर हम फ्लाइट से जाए, झारखंड और अंडमान और तमिलनाडु के भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, ट्राइबल हैं और अछूते हैं, वहाँ पे इस तरीके से सोशल हॉस्टल दिया जाए। तो ये जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो अगुओं को तैयार करता है ताकि वो ब्लेसिंग दे सके। इसमें छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, तो मुझे मालूम हुआ कि पास्टर लालू थे, उनको ट्रेनिंग दिया गया और उनके मन में था कि मैं जो मिनिस्ट्री कर रहा हूँ उसके साथ साथ कैसे मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, क्योंकि अब आज के डेट में बहुत सारी सरकारी सुविधाएं हैं, लोगों को ज्ञान के अभाव में वो नहीं मिल पाते। तो उनको जब ट्रेनिंग दिया गया, बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताए गए, तो उन्होंने 10 साल पहले करीब जो है ये 0 बैलेंस स्कीम है, उससे उन्होंने बहुत लोगों का जो है करीब 3,000 लोगों का बैंक अकाउंट खुलाया। तो ये कैसा उदाहरण है। तो ये सेवा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, जैसे मैंने बताया तमिलनाडु में और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और ऐसे खासतौर से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जिसको अभी आजकल सरकार ने नाम दिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो करीब 12-15 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एफ ई को का काम होता है। और एफ ई को का काम इतना ट्रांसपेरेंसी में होता है कि एफ ई को एक सिर्फ भारत की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको CHS सर्टिफिकेशन मिला। जो CHS सर्टिफिकेशन होता है डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी का, तो अगर हमारे सिस्टम बहुत अच्छे हैं और लोगों के साथ कैसे हैं, तो सारी जो पॉलिसीज है वो इवेल्यूएट करते हैं, बहुत रिग्रेस प्रोसेस होता है। तो एफ ई को सिर्फ सोल ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जिसके पास ये सर्टिफिकेशन है स्विट्जरलैंड से। तो इस समय मैं अपने साथी जो हैं मिस्टर ग्रीन थॉमस जो एफ ई कोर में मैनेजर हैं, और वो उनका बहुत ज़्यादा काम जो है चर्चेस के अगुओं को तैयार करने का, और वो भी हमारे CNI के मेंबर हैं, वो कैथलिक चर्च के मेंबर हैं जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में हैं। और उनको आज मैंने सोचा था कि क्योंकि मैं उस चर्च का मेंबर ही हूँ और पिछले 1-2 महीने से मैं दूसरे चर्चों में जाके एफ ई कोर के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि एफ ई कोर के बारे में प्रेयर सपोर्ट मिल सके और एफ ई कोर की मिनिस्ट्री को लोग प्रार्थना में याद। तो मैं भी निमंत्रण करूँगा कि हमारे ग्रीन भाई आए। और सबको जय मसीह की। आपका चर्च में आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चे लोग जब
पढ़ रहे थे, मैं तो सब जगह में बड़ा बड़ा लोग ही पढ़ते हैं, सब बच्चे लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। और मैं एक चीज देखा कि आप लोग नीचे भी अभी भी बैठ रहे हैं। आजकल चर्च जैसे डेवलप होता है, नीचे उतना लोग नहीं बैठते, तो आप लोग को देखकर मेरा मेरा ही चर्च का एक याद आ गया। मुझे एक अच्छा फीलिंग लगा आपको चर्च में आकर, और ऐसा एक चर्च में पास्टर आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आज हम लोग ये हम लोग सीखेंगे कि क्यों क्रिश्चियन लोग होते हुए क्यों समाज सेवा में हम लोग काम करना है, क्यों समाज सेवा में हमको काम करना है। ये जैसे ही हम मेरा प्रीचिंग खत्म होगा तो आप लोग उसको अच्छा से समझ जाएंगे, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं तमिलनाडु का हूँ। मेरा पापा मुझे ग्रीन नाम दिया है, ग्रीन कलर। और मैं मेरा पिताजी एयरफोर्स में थे, इसीलिए हम लोग पूरा भारत देश घूमे। बहुत सारा भाषा मालूम है, लेकिन कुछ भी भाषा सही से मालूम नहीं हुआ। तो उसी मैं कुछ वचन बताऊंगा तो मैं उतना अच्छा से पढ़ नहीं पाऊंगा, कोई मदद कर दीजिए ताकि हम उसको पढ़ पाए। क्यों हम समाज सेवा करना है। हम लोग अभी थोड़ा देर के बाद हम लोग पाप का स्वीकार का एक प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसको आप केयरफुली देखेंगे तो उसमें ये लिखा है, मैं उसको लिख के रखा है, हिंदी में थोड़ा बता देगा आपको। उसमें ये लिखा है, एक वचन है, भलाई करने में हम सफल रहे नहीं, ऐसे एक लाइन है उसमें, भलाई करने में हम सफल असफल रहे, सॉरी, हाँ, भलाई करने में हम असफल रहे। तो हफ्ता हफ्ता हम लोग क्या करते हैं, यही वाला को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो अभी हम लोग पाप का स्वीकार कर लिया, फिर हम लोग वापस जाएंगे, फिर से भी हम उसी को क्या करेंगे, बोलेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, कुछ ना कुछ ये हफ्ता में क्या करना है, जाके भलाई कुछ ना थोड़ा बहुत करना है। आज का वचन में हमने पढ़ा है, छोटा सा मस्टर्ड सीड जैसा भी हो हम लोग को उसको करना है, एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। एक वचन ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, आपका पाप खून जैसा लाल रंग के हो तब भी वो क्या हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। आपको मालूम उसके पहले परमेश्वर वो वाला वचन आइज़ाया से निकाला गया, आइज़ाया एक में ऐसे निकाला गया है, ठीक है, ऐसा एक 18 का है, लेकिन आइज़ाया एक 18 उसके ऊपर का 15 वचन में परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम, कोई पढ़ लीजिए उसमें क्या बोल रहा है, आइज़ाया 1:15, जब तू मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं खून से मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अच्छा, तो इसमें ये लिख दिया कि तुम कितना भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, ऐसे बता दिया। अभी ना हम लोगों को दो चीज समझना है, एक है हमको कुछ पाप है उसको कुछ को करेंगे तो वो पाप हो जाएगा, कुछ को हम करेंगे तो वो पाप हो जाएगा। एग्जाम्पल झूठ बोलेंगे, और क्या है, झूठ बोलेंगे, हत्या कर देंगे, तो ऐसे कुछ करेंगे तो वो पाप हो जाएगा। और कुछ चीज है वो नहीं करने से वो क्या होगा, पाप होगा। तो जो चीज है ये कुछ को हम नहीं करना है और कुछ हमको करना है। मैं एक उदाहरण दूंगा, मेरा जीजा जी को हम लोग ने उनका बर्थडे में एक फोन खरीद के दिया, तो उन लोग ने वो थोड़ा क्या बोलेंगे, वो थोड़ा ज्यादा उम्र का लोग है, तो उन्होंने क्या किया, फोन को देखा कितना रुपया, वो बहुत महंगा है,
महंगा हमने खरीद के दिया उनको, तो वो क्या किया मालूम, अच्छा सा फोन को रोज उसको चार्ज करेंगे, उसके बाद उसमें वो प्लास्टिक कवर वो सब है ना उसी के अंदर घुसा के उसको रख देंगे। क्यों उसमें रख रहे हैं? वो बोलेंगे कि बहुत महंगा फोन है, इसको नहीं, उसको ये नहीं करना, लेकिन रोज चार्ज करेंगे उसको, उसमें देखेंगे वो नहीं के चार्ज करेंगे, लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही किया कि गलत किया उसने? नहीं, फोन को इस्तेमाल के किया, अच्छे से चार्ज भी किया। क्यों गलत किया? उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को हम लोग चार्ज करते हैं, हम लोग अपने आप को फुल चार्ज करते हैं, जैसे कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोज संडे आते हैं, ये सब बहुत अच्छा है, चार्ज भी जरूर करना चाहिए, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमको हम लोग अपने आप को इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मालूम ये पृथ्वी का नमक कौन है? हम लोग है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, आप लोगों का किचन में नमक होगा, जरूर होगा आपके किचन में, वो नमक बॉटल में होगा, ठीक है, बॉटल में होगा, तो उसमें नमक आजकल क्रिस्टल आता है, बहुत सारे नमक है उसके अंदर। तो अभी मैं भी एक नमक हूँ, आप भी एक नमक है, सब लोग एक नमक है, हम लोग सब बॉटल के अंदर रहेंगे तो कुछ काम होगा? हम लोग बॉटल के अंदर ही एक दूसरे को प्रेस द लॉर्ड बोलेंगे, बॉटल के अंदर ही प्रेस द लॉर्ड बोलेंगे, बॉटल के अंदर ही हम लोग संगति करते रहेंगे, तो नमक का कुछ काम आया? नहीं आया। जब वो नमक को निकाल के सब्जी में डालेंगे और वो कहां कहां तक पहुंच जाएगा? सब जगह। वो खाली बैगन के अंदर नहीं जाएगा, खाली आलू के अंदर नहीं जाएगा, कहीं भी है वो सब जगह चला जाएगा, फिर वो सब्जी का ये हो जाएगा, मैंने अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग जब क्रिश्चियन लोग संगति करते हैं तो हम लोग जैसे फोन को चार्ज करते हैं, नहीं तो हम लोग एक बॉटल में नमक है अभी, लेकिन हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो वाला मत्ती 5 में लिखा है, आपके भले काम को देख कर कौन यहोवा का स्तुति करेंगे? स्वर्ग पिता को स्तुति करेंगे भले काम को। तो हम लोग जब इधर से बाहर जाएंगे तो हमको क्या करना चाहिए? भले काम करना ही चाहिए हमको। हम लोग ऐसे एक व्यक्ति होना चाहिए कि हम लोग दूसरों के जिंदगी में टेस्ट लाना चाहिए। नमक काम करता है ना, दूसरों नमक क्या करता है, अचार में बहुत नमक डालते हैं, क्यों? खराब होगा, प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो हम लोग दूसरों को खराब होने से हमको क्या करना चाहिए? बचाना भी चाहिए। तो हम लोग जब भी बाहर जाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा कहां कहां हमारा जरूरत है। हमने आइज़ाया में हमने पढ़ा कि तो इसमें क्या लिखा है मालूम, 18 में तो परमेश्वर बोला कि तुम्हारा पाप लाल रंग के होगा तो वो एकदम सफेद हो जाएगा, लेकिन 17वां वचन में क्या लिखा है, 17वां वचन पढ़ दीजिए। अच्छा, भलाई करना क्या करना है? भलाई करना हम लोग सीखना है कि कैसे हम भलाई दूसरों को करेंगे, ये जरूर हमको सीखना है। और उसके बाद क्या क्या करना है से न्याय करो। जी, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय छुपाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। उसके बाद ही ना वो वाला वचन आ रहा है, तुम्हारे पाप हो तब तुम्हारा सफेद हो जाए। तो उसके मतलब क्या है, हम लोग अच्छा सा फोन तो चार्ज कर रहे हैं लेकिन हमारा इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसी के आप लोग जब भी बाहर जाएंगे जरूर इसको सोचिए कि हमको हमारा हमको जरूर इस्तेमाल करना। परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा रकम दे के हमको खरीदा है, क्यों? क्योंकि हम दूसरों के लिए काम में आए। तो आप लोग जरूर छोटा सा भी काम हो जरूर कीजिए।
अभी आप लोग मेट्रो में जाएंगे जरूर आप लोग कह कीजिए, किसी को सीट जरूरी है तो उधर मेट्रो में ना मुसलमान लोग है, हिंदू लोग है, सब लोग है, सब लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट सीट देने वाला कौन होना चाहिए? हम लोग होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है बड़ाई करना सीखो, तो उसे हमको कहीं भी कुछ भी हो हमको बड़ाई करना बहुत बहुत जरूरी है। और भी एक वचन बोलता है मन परिवर्तन का योग्य फल लाओ। सब लोग का मन परिवर्तन हो गया, लेकिन अभी हमको हमको क्या करना है? योग्य फल लाना है। वो वचन भी हम पढ़ेंगे और हम समाप्ति में जाएंगे। लूका 3 लूका 7 से उधर ना बपतिस्मा लेने के लिए बहुत लोग आए हैं, तो योहन्ना कहाँ खड़ा है मालूम? मैं ऐसे सोच रहा हूँ वो नदी के अंदर खड़ा है, लोग सब है तो नदी से वो चिल्ला रहा है। तो हम पढ़ेंगे योहन्ना 3:7 से जो भीड़ को भीड़ से बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी उनसे वह कहता था ये सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराओ योग्य फल पाओ लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि तुम में से कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जी और एक योग्य फल लाओ, उसके बाद एक एक कहानी जैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। अच्छा, अभी कुल्हाड़ा कहाँ लगा है? पेड़ पर लगा है। उसके बाद इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अच्छा इधर रोक दीजिए, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसको काट के कहाँ डाल देंगे? आग में डाल देंगे। आग मतलब क्या है? आग मतलब इसमें क्या आग कहाँ है? आग नरक, वेरी गुड, नरक है। पेड़ मतलब अच्छा हम लोग सब पेड़ है, किसको काट के आग में डालेंगे बोल रहा है? कौन कौन सा पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसको पेड़ में डाल देंगे, ठीक है? हम पेड़ में नहीं आग में डाल देंगे। तो हमको हमारा पेड़ में फल लाना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही ना उधर भी भीड़ भी ऐसे ही देखती थी। उसने क्या कर वो भीड़ क्या किया मालूम? उन्हीं को पूछ लिया, हे बताओ हमको क्या करना चाहिए। भैया आगे बढ़ दीजिए। इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा एक ताकर आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? हम क्या करें? ध्यान से सुनिए, हम क्या करें? हम भी क्या करना चाहिए? जी उसने उन्हें उत्तर दिया हाँ? जिसके पास दो कुत्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। ठीक है, कितना कपड़ा होने से कितना दे देना है? दो होने से एक किसको देना है? जिसके पास नहीं है उसको। ये है पेड़ अच्छा फल लाने वाला पेड़। हमारे पास 10 कपड़ा है तो कितना देना है? 5 किसको? नहीं है। आप लोग जाइए घर में, आपका हमारा कपड़ा सब कहाँ है? अलमारी में। अलमारी में खोलिए, उसको क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा। गिनना है उसमें कितना आपका है? 50% आपका है, और 50% क्या करने का है? किसको नहीं है उसको। मुझे ना इसके बारे में मालूम नहीं था, तो एक टाइम में एक प्रचारक एक पास्टर ने प्रीच किया इसके बारे में, तो मुझे बहुत दिल में लगा कि वो ये आपको करना चाहिए, इसके बारे में तो मालूम नहीं था। तुरंत घर में गया, अलमारी को खोला, 16 पैंट सेट था, तो उसमें से कितने निकालना पड़ेगा? 8। तो मैंने 8 निकाला। 8 कौन सा पैंट निकाला होगा आप सोच रहे हैं? आपने सही सोचा। तो परमेश्वर बोला क्यों ना अच्छा देंगे,
तो फिर उसमें से अच्छा वाला निकाला दिया, तो उससे उसी समय मुझे लगा मेरा पेड़ में क्या लग रहा है, बाइबल के अनुसार कुछ तो फल लग रहा है, लगना शुरू हुआ। उसके बाद ना शादी हमारा चेन्नई में हुआ, तो बहुत गिफ्ट आया, गिफ्ट सबको पैक करके हम ऊपर रख दिए थे, तो परमेश्वर बोला ग्रीन वो भी क्या करने के लिए तुमको दिया है, बांटने के लिए। मैंने मेरा फोन, मैं मम्मी को फोन किया, मम्मी उसको भी आप क्या करो, बांटो। तो मुझे लगा, मम्मी पूछा ग्रीन तुमको क्या हो गया, तो मैं बोला नहीं बाइबल को कैसे है उसको हमको क्या करना है, पालन करना है। तो आप भी आपको घर में जाइए, क्या क्या चीज आप दे सकते हैं जरूर क्या कीजिए। आप हमारे इलाका में कोई भी एक जन को कुछ चीज जरूरी है उसको नहीं है, वो कहाँ है, और कहीं नहीं है हमारे पास। हम लोग दूसरों का एक आशीर्वाद होना चाहिए, हमारे पास दिया गया है, हम क्या करना है दूसरों को देना है। परमेश्वर हमको प्रेम किया ना, परमेश्वर हमको प्रेम किया, प्रेम कर क्या दे दिया, जान दे दिया। हम भी दूसरों के लिए जान देना चाहिए कि नहीं, हम लोग सब उनका बच्चा है तो हम भी दूसरों के लिए जान देना चाहिए। बाइबल बोलता है ऐसे, पहला योहन्ना 3:16 पढ़ेंगे, पहला योहन्ना 3:16। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है, कैसे बना रह सकता है। तो हमको क्या करना है, जरूर जरूर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का बच्चे लोग हैं, तो हम भी परमेश्वर जैसा ही करना चाहिए। तो मैं एक दो इलस्ट्रेशन बताएगा और हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ओडिशा में हमने ऐसा बताया कि हम लोग गरीब लोगों को देखभाल करना चाहिए, तो उसमें पास्टर सुनील बोल के एक पास्टर था, तो उसने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, गरीब लोग से सामान खरीदेंगे। तो उसी समय उधर ना ओडिशा में हफ्ता हफ्ता में बाजार लगता है, उसको क्या बोलते हैं वीकली मार्केट, इधर भी होता है ना वीकली मार्केट, तो वैसे उधर गांव का इलाका में वीकली मार्केट होता है। तो इसने गया मार्केट को, हम लोग मार्केट जाते हैं तो क्या दे, क्या मन में रहेगा लिस्ट, टमाटर आलू ऐसे रहेगा, तो हम क्या देख के जाते हैं उधर कौन सा जगह अच्छा आलू कहाँ अच्छा टमाटर सस्ता में बढ़िया वाला कहाँ मिलता है। लेकिन गरीब कहाँ बेच रहा है उसको ढूंढना चाहिए हमको। और गरीब तो पास्टर ने गया और देखा उधर एक बूढ़ी माँ, बहुत बूढ़ी माँ एक धनिया पत्ता बेच रही है, धनिया पत्ता ना बंडल एक। उसने पूछा पास्टर सुनील, पास्टर कितना माँ कितना रुपया का है धनिया पत्ता, तो उसने बहुत धीमी आवाज से बोला सर एक बंडल 3 रुपया, 2 बंडल लेंगे तो 5 रुपया में हम लेंगे। तो पास्टर ने क्या किया, उसको 20 रुपया दिया, दो बंडल दे दो बोल के 20 रुपया दिया। तो उस वो बूढ़ी माँ ने ओ मेरे पास क्या नहीं है, चिल्लर नहीं है। तो पास्टर बोला चिल्लर जरूरी नहीं है, आप क्या करो इसको रख लो, ऐसे बोल दिया। तो वो बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आया, अरे ऐसे उसने देखा और वो पास्टर उधर से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वीक को भी पास्टर कमाइंड में कहा था धनिया पत्ता कहाँ लेना है, वो बूढ़ी माँ के पास ही लेना है। तो जब उधर गया वो बूढ़ी माँ उसको देख कर तुरंत वो पास्टर को क्या कर दिया, गले लगा लिया। तो बाकी लोग ए बूढ़ी क्या कर रही है ऐसे पूछे, नहीं नहीं मेरा लड़का मिल गया ऐसे उसने बताया। तो ये पास्टर क्या हुआ बूढ़ी माँ क्या हो गया आपको, तो उसके बाद उसने बोला मैं वो 20 रुपया के लिए
मैं पूरा दिन इधर बैठ कर क्या करती हूँ, बेचती हूँ, लेकिन पहला बार मेरा जिंदगी में कोई 20 रुपया दिया तो वो आप ही है। तो उसने पूछा, आपको कोई बेटा बेटी नहीं है? नहीं, एक बेटा है लेकिन वो पैरालाइज्ड है, लेकिन उसको मैं घर में छोड़ कर मैं बेचने के लिए आती। तो उसी समय पास्टर ने उधर से आया और उनको बताया कि मेरा घर आओ, मैं पूरा हेल्प करूंगा। तो उसके बाद वो चर्च लोग मिलके वो बूढ़ी माँ को आखिरी तक, पिछले साल वो बूढ़ी माँ मर गई थी, तो उसने पास्टर सुनील ने फोन किया, हमने उसका आखिरी तक उसको क्या किया, पूरा मदद किया। तो हम ही हैं इधर का, ये एरिया का साल्ट, और हम लोग ही, हम लोग को काम करना चाहिए, चार्ज भी करना चाहिए, इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग जरूर कीजिए। मेरा समय भी समाप्त हो गया और परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। हम लोग बोलना नहीं, फुलाड़ा पेड़ पर लगा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसको काट कर, आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका बाइबल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हाथ खून से भरे हैं परमेश्वर, आप बता रहे हैं कि अच्छा करने के लिए सीखो, और परमेश्वर आप बता रहे हैं कि अनाथ विधवा उन लोगों को मुकदमा लड़ो, उनके लिए मदद करो। परमेश्वर ऐसे बनाइए हमारा पेड़ को, हम बाहर जाकर फल ला पाएं, दूसरों को मदद कर पाएं, और हमारा छोटा छोटा काम को भी आप आशीर्वाद कीजिए, ताकि हमारा काम के देखकर परमेश्वर लोग आपको प्रशंसा कर पाए। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।